लास्ट वीक से मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें एक टूल है फायरफ्लाई बाय अडोबी, यानी कि आप उसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं जस्ट लाइक मिड जर्नी। तो जब मैं ट्राई करने गया तो वहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी अर्ली एक्सेस के लिए, क्योंकि हर बंदा अप्रोच नहीं कर सकता या मिड जर्नी की तरह ट्रायल वहाँ पर नहीं अवेलेबल, तो वहाँ पर आपको अर्ली एक्सेस लेना पड़ता है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अर्ली एक्सेस ले सकते हैं टू यूज़ दिस। और ये जो टूल है अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बीटा वर्जन मौजूद है, यानी कि कुछ पार्ट्स मौजूद हैं टेस्ट करने के लिए, ताकि आपको खुशी फील हो, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ये दिखता कैसे है। तो चलें जी, मैं आपको दिखाता हूँ इनके टूल्स। दो जो टूल्स हैं वो अभी चल रहे हैं, बाकी कमिंग सून हैं या अपकमिंग वीक्स में आप देख सकते हैं। तो चलें जी, चेक करते हैं अडोबी फायरफ्लाई। सो जैसे क्लियरली लिखा हुआ है जी, अडोबी फायरफ्लाई बीटा, और यहाँ पर हमारे पास उन्होंने डायरेक्टली बताया ट्राई दीज आउट। अभी ये कमिंग सून है, आज आ जाए, कल आ जाए, एक हफ्ते बाद आ जाए, दो हफ्तों बाद आ जाए, टोटली इनके ऊपर डिपेंड करता है। दो चीज़ें अभी अवेलेबल हैं, और लोगों का अगर आपने काम देखना है जो जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो अवेलेबल है। अभी फुल गैलरी चेक करें आप, बहुत सारा आर्ट वर्क जो है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो है, जो वीडियो के अंदर बहुत कुछ इन्होंने बताया है, और अभी वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है कि हम ये करने वाले हैं। एंड आई थिंक ये बहुत पावरफुल टूल होने वाला है, मिड जर्नी से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि अडोबी का अपना है। दूसरा, जो इन्होंने वहाँ पर फीचर्स बताए हैं वीडियो के अंदर, वो कमाल के हैं। जैसे इन पेंटिंग है, आप ब्रश के थ्रू चीज़ें जनरेट कर सकते हैं बाय एडिंग कमांड्स। जैसे यहाँ पर ये बताया हुआ कि जी कि पारा ऐड करने हैं मक्खी के, इसी तरीके से आप रिजल्ट्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट टू वेक्टर है, एक्सटेंड इमेजेस हैं, इमेजेस को बड़ा करना है, जैसे फोटोशॉप में अक्सर हम कंटेंट वेयर यूज़ करते हैं। 3D टू इमेज है, स्केच टू इमेज है, टेक्स्ट टू ब्रश है, टेक्स्ट टू पैटर्न है, एंड टेक्स्ट टू टेम्पलेट्स हैं, यानी कि बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ आने वाला है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम अडोबी सिंस जब मैंने मिड जर्नी स्टार्ट किया। ये अडोबी वाले कैसे नहीं इस रेस में आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, और ये एक सरप्राइज था। और लेट्स ट्राई द टूल। पहले जी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स वाला, टेक्स्ट टू इमेज जैसे मिड जर्नी का वैसे ही यहाँ पर है, जनरेट करते हैं। ये पहले से कुछ रिजल्ट्स हैं, और इसी तरीके से ये देखें, बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स लोगों ने जनरेट किए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त कमांड्स दे के, बड़ा ज़बरदस्त ये डबल एक्सपोजर भी सेट किया हुआ है। ये देखें जी, कमांड के साथ ही लिखा रहा है डबल एक्सपोजर पोर्ट्रेट एंड सो ऑन। सो मैं भी एक दो जनरेट करके देखता हूँ, और ताकि पता लगे जी कि दिखता कैसे है, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये मैंने कमांड लिखी जी, अक्यूट अडोरेबल बेबी फोनिक्स, और स्टाइल हमें चाहिएगा लो पॉली आर्टवर्क का, अगर आपने देखा हो, और आइज हाई डिटेल्ड हों। और इसको हम जनरेट करते हैं यहाँ से क्लिक करके। अब यहाँ पर आपके पास कंटेंट की टाइप्स भी मौजूद हैं, स्टाइल्स भी मौजूद है जिसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, और ये आपके पास जो हैं ये जनरेट हो गया। लो पॉली मैंने लिखा था, तो ये लो पॉली आर्टवर्क में ही जनरेट हुआ है, एंड द रिजल्ट्स आर क्वाइट अमेजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कंटेंट टाइप है। सबसे पहले एस्पेक्ट रेशो को देख लेते हैं, अगर आपने साइज़ देखना है लैंडस्केप में है 4:3 वाइड स्क्रीन एंड सो ऑन। सो लेट्स सपोज हम लैंडस्केप करते हैं जी, ठीक है, ये 4:3 के उसी तरीके से मिड जर्नी की तरह ही या लेक्सिका की तरह ही चार रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, और ये रिजल्ट्स, दीज रिजल्ट्स आर क्वाइट इंप्रेसिव। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास स्टाइल्स हैं, जैसे मूवमेंट्स हैं, थीम्स हैं, टेक्निक्स हैं, इफेक्ट्स हैं, तो हम सबको स्क्रोल डाउन करके हम डिफरेंट चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऑल को हम कर लेते हैं, ठीक है, और देन हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं जी सिंथ वेव ब्लू, और उसमें सियान और मजेंटा का ज़रा थीम होता है, ज़रा पंक टाइप का। ठीक है, लेट्स, मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद ही हम यहाँ से कंसेप्टल आर्ट जो है वो हम कर लेते हैं, मे बी 3D आर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लो पॉली हमने ऑलरेडी किया हुआ, तो हम 3D आर्ट कर लेते हैं। एंड देन हमारे पास यहाँ पर टेक्निक्स हैं, और इसमें हमारे पास पेंटिंग्स हैं, बोल्ड लाइंस हैं, ऑयल पेंटिंग है, ये इसको रहने देते हैं टेक्निक्स को। इफ़ेक्ट्स में भी हम बुका इफेक्ट अगर बैकग्राउंड पे लगाना है, वो ऑलरेडी शो कर रहा है बुका इफेक्ट्स, लेकिन हम इसको रहने देते हैं, ब्लर उसने किया हुआ है बैकग्राउंड। एंड यहाँ पे हैं न्योन लगाते हैं, न्योन इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेयर्ड पेपर है, क्ले ओरिगामी अगर आपने स्टाइल अपनाना है तो वो भी मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं। और यहाँ से सिंपल आर्ट वर्क या डिवाइन या ब्यूटीफुल, दोनों हम कर लेते हैं। ठीक है,
तो जो जो टैग्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करते रहेंगे, जो जो आर्ट, तो यहाँ पर वो टैग्स ऐड होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। अब हम जनरेट करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आपके सामने आता है। ये बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आया जी सामने, अगर मैं क्लिक करके दिखाऊँ तो बड़ा हाई डिटेल्ड और 3D किस्म का एंड लाइक लो पोली आर्ट वर्क है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लो पोली आर्ट वर्क दिखता कैसे है, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल से बना हुआ आर्ट वर्क होता है, ये देखें, ये जिसमें आपको दिखा रहा हूँ ये, सही है। और सिंथ वेव अगर दिखाऊँ, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए आप किस आर्ट वर्क, किस स्टाइल में अपना काम करने वाले हैं, स्पेशली एल्बम आर्ट या आप इस तरह का आर्ट वर्क आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये देखें, मैंने आपको बताया था सियान और मेजेंटा का मोस्टली कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, ज़रा डार्क और तीन चार कलर्स का मिक्सचर से ये कलर जो है ना आपके सामने दिए, देखें, ठीक है। और ये आपको उसी कलर स्टाइल्स में बना हुआ है, और जैसे ही आप कमांड चेंज करेंगे और यहाँ से स्टाइल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यू कैन जनरेट अमेजिंग आर्टवर्क्स, ठीक है। एक आधा और जनरेट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टूल के ऊपर जंप करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ी फनी सी कमांड लिखता हूँ, जैसे मिकी माउस जो है वो हमें साइबरनेटिक मशीन स्टाइल में चाहिए, तो इसको हम, मैंने वो लिखा है जी, और इसको हम जनरेट करते हैं और लेट्स सी क्या रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट सामने आए हैं जी, और आई थिंक ये मिकी माउस नहीं, खाली उसने माउस ही दिखा दिया है, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही है, यानी कि मशीन की फॉर्म में वो आपके सामने मौजूद है। और यहाँ पर हम इसको लाइक डिफरेंट स्टाइल में लेके आ सकते हैं, इसे ग्राफिक करते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या ये जनरेट करता है, और यहाँ से हम इसको लैंडस्केप कर लेते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट है वो हमारा लैंडस्केप की फॉर्म में आ जाए। और इसी तरीके से यहाँ पर मटेरियल्स भी मौजूद हैं, अगर हम मटेरियल्स ऐड करते हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं रिजल्ट और फिर हम मटेरियल ऐड करते हैं। ग्राफिकली उसने ऐड किया, आई थिंक हमें आर्ट में ही रहना चाहिए, और आर्ट में जाके यहाँ से ऑल करते हैं फिलहाल, और जो मुझे 3D रिजल्ट चाहिए था पहले वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से क्वाइट अमेजिंग रिजल्ट सो फार। अच्छा जी, यहाँ पर जी मिनिमलिज्म पे चलते हैं, थोड़ा कम हो बैकग्राउंड पे, ठीक है, और उसमें हमारे पास नेक्स्ट 3D आर्ट हो जाएगा, एंड देन टेक्निक्स हमारी फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं जी, इफ़ेक्ट्स भी रहने देते हैं, और इधर से हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो हम करेंगे मेटल, क्योंकि मुझे मेटल चाहिए था। और यहाँ पर जी कॉन्सेप्ट जो है वो हम कर लेते हैं ज़रा डिवाइन, ठीक है, बल्कि इसको रहने देते, सिंपल पे लेके चलते हैं। और कलर एंड टोन जो है वो हम रखेंगे थोड़ी सी वाम कर लेते हैं, ठीक है जी। और लाइटिंग जो है वो हम इस बार गोल्डन आर वाली कर लेते हैं, और कंपोजिशन जो है हमारी नैरो डेप्थ ऑफ द फील्ड, क्लोजअप शॉट कर लें, क्लोजअप तो ज़्यादा जो है, क्लोजअप शॉट कर लिया। और अब हम करते हैं जी इसको जनरेट, अब देखते हैं क्या रिजल्ट सामने आता है। तो ये हमारे सामने रिजल्ट आया, एंड आई हैव नो आइडिया इसने क्या बना दिया, और ना ही मुझे आइडिया खुद था कि, लेकिन ये है कि जो हमने स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट किए हैं और जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की हैं, ठीक है, उसी को इसने बनाकर जितना उसको समझ आया हुआ। तो अभी ये बीटा वर्जन में है और बड़ी इंप्रूवमेंट इसमें होनी है और हो रही हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि मिड जर्नी में आपको सारा कमांड लिखना पड़ता है, यहाँ पर ये एक हमारे पास साइडों पे इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं या हेल्पिंग के लिए सारी चीज़ें समझने के लिए मौजूद हैं, और आने वाले दिनों में ये और भी एडवांस होने वाला है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टूल जो कि हमारे पास है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, ठीक है, और सिंपल सा हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे हम जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टाइल आप वैसे इसको क्लिक करें, ओवर करें, तो यहाँ पे आपके पास पीकॉक फेदर और ये बबल्स और ये बहुत सारी जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, जनरेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि वूल यार्ड फेल्ट रेड पिंक ऑरेंज येलो, ठीक है, तो आप कलर्स कमांड्स और जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये पॉपकॉर्न स्टाइल, ब्रेड स्टाइल, लिक्विड गोल्ड, जो भी है। तो हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे डिज़ाइन एकेडमी का हम डी और ए लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम अपना स्टाइल जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए, यहाँ पे हम लिखते हैं जी बबल गम स्टाइल विद ग्रीन और येलो पिंक, ठीक है, कलर्स। चलें अब देखते हैं ये क्या हमें जनरेट करके देता है। मैंने बेसिकली लिखा था बबल गम स्टाइल, क्या ये बबल गम स्टाइल बना कर देगा? जी हाँ जी, उसने बना दिया, और वी हैव 4 वर्जन हेयर एज वेल,
और हम इसकी वेरिएशन चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और कलर भी उसने ग्रीन येलो पिंक कलर्स ही उसने सेलेक्ट किए, और ये ज़बरदस्त इफेक्ट है, ठीक है, लाइक आई रियली लाइक इट। तो वी हैव डिफरेंट स्टाइल्स, लाइक आप किसी की हैप्पी बर्थडे के लिए कर रहे हैं तो ये बलून इफेक्ट भी है वहाँ पर, आप उसकी एज लिख के बलून वाला इफेक्ट लगा के दे सकते हैं, ब्रेड टोस्ट एंड सो ऑन। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करके वी हैव प्लेंटी ऑफ स्टाइल्स हेयर, ठीक है, कलर मार्बल और ये वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्लावर्स के साथ अगर करना है तो मैं इसको क्लिक किया फ्लावर्स के साथ, एंड वी हैव टेक्स्ट इफेक्ट लाइक टाइट और मीडियम और लूज, ठीक है, और फॉन्ट के स्टाइल्स भी मौजूद हैं, जैसे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं और आई थिंक हमें चाहिए ये वाला कर लेते हैं ज़रा स्टाइलिश सा फॉन्ट, ठीक है, एंड साथ साथ कलर्स भी मौजूद हैं। बैकग्राउंड आपको चाहिए अगर वो करना है, टेक्स्ट का कलर करना है तो वो यहाँ पर मौजूद है। सो अभी फ़िलहाल हमें कोई भी नहीं स्टाइल चाहिए था, और डिज़ाइन एकेडमी का जो है हमने ये वाले फॉन्ट के साथ किया है। लेट्स ट्राई अनदर फॉन्ट, ये वाला ज़रा मुझे एक्सपेंडेड सा फॉन्ट लगा था, इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट्स जी यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, और लास्ट में एक दफ़ा और हम ट्राई करते हैं, और फिर ये जी कलर मार्बल को हम क्लिक करते हैं, ठीक है जी, रेनबो मार्बल्ड पेपर, और एक और हम ट्राई करते हैं जी, यहाँ पे हम लिखते हैं जी कट पेपर इफेक्ट ग्रीन येलो, ठीक है, लेट्स सी। तो ये रहा रिज़ल्ट, और यार बड़े मज़े की चीज़ें बन रही हैं, और आई थिंक अभी बहुत एडवांस होने वाला है, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट कि और ऑप्शंस होते तो मैं उसको और चेक करता। तो फिलहाल यही है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये दो टूल्स चेक करने के लिए कैसे एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास Adobe का अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो इस लिंक के थ्रू बना लें जो डिस्क्रिप्शन में मैं दिया है जी, firefly.adobe.com के ऊपर आप क्लिक करें, यही पेज सामने आ जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन है और ये वो सारा यहाँ पे, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जी, टेक्स्ट टू इमेज ये वो, और यहाँ नीचे रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन है या यहाँ पर भी मौजूद है। प्लस यू कैन आल्सो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड, जैसे मिड जर्नी का डिस्कॉर्ड सर्वर है वैसे ही है, लेकिन वहाँ से जनरेट नहीं होता आर्टवर्क, इनकी वेबसाइट से जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट एक्सेस के ऊपर क्लिक करके फॉर्म आएगा जी, ये फॉर्म वगैरह फिल करें, आप नाम लिखें, आईडी लिखें, अपनी ईमेल एड्रेस Adobe की जो मैंने आपको बताया, आप ज्वाइन कर सकते हैं Adobe.com पे जाके साइन अप कर लें, और यहाँ पर जिस पर्पज़ के लिए आपने यूज़ करना है वो लिखें, एंड देन आप यहाँ पर उसको बताएं कि किस लिए यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया था कि मैंने अपने चैनल के लिए करना था, ठीक है, और यहाँ पर लिंक दिया था तो इसलिए एक्सेस मिल गया मुझे, तो आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और विद इन अ वीक आपको जो है अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, फिर आप यूज़ कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और मज़े की बात है कि जो आर्ट वर्क हमने जनरेट किया है उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, एंड वहाँ पर उन्होंने बताया जी करंट कंटेंट क्रेडेंशियल विल बी इंक्लूडेड, ठीक है जी, और ये आपका जो क्या कहते हैं जी इमेजेस हैं यू कैन नॉट सेल, अभी आप इसको कमर्शियली सेल नहीं कर सकते, ठीक है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के, तो हम मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, सेल नहीं कर रहा, तो जब सेल करने का टाइम आया तो उसके भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा इसके ऊपर भी, ठीक है जी। सो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, और ये हमारा जो है कंटेंट कंडीशन जी अप्लाई होने लग गया, और आपका जो आर्ट वर्क जनरेट होकर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ये PNG इमेज जनरेट होगी, ये देखें जी उसने दे दिया साथ इमेज नॉट फॉर कमर्शियल यूज। तो ये था जी Firefly Adobe की तरफ से, और बड़ा टक्कर पड़ने वाली जी मिड जर्नी को, और अगर ये पूरे टूल्स रिलीज करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जी स्केच से आपका आर्ट वर्क जनरेट हो जाएगा, और 3D से आर्ट वर्क जनरेट हो जाएगा, ब्रशेस से आर्ट वर्क जनरेट हो जाएगा, तो ये भाई तबाही तबाही का काम होने वाला है, ठीक है, एंड आई एम ग्लैड कि ये काम Adobe ने किया है, क्योंकि हर बंदे का एक ही था कि क्या आज ही डिज़ाइनिंग ख़त्म हो जाएगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फ्यूचर ये वो ब्लाबला, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर डेड, नहीं भाई, ये टूल्स आपके फोटोशॉप में आपके इलस्ट्रेटर में साथ देंगे, क्या ही बात हो कि अगर इलस्ट्रेटर में आपके पास एक स्केच आ जाए, ठीक है, और आप ये ही टूल यूज़ करते हुए और उसको जैसे एक कमांड दे दें और आपका लोगो जनरेट हो जाए, आपका आर्ट वर्क, आपकी इलस्ट्रेशन जनरेट हो जाए, इसी तरह फोटोशॉप में आपकी फोटो मैनिपुलेशन जनरेट हो जाए बाय गिविंग जस्ट कॉन्सेप्ट, तो भाई काम कमाल का होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। तो फिर जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लर्न करेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।